Good morning everyone this is Anil for ma'am i hope you all are fine at your homes and your studies are going well so as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment a1 our subject is sst and in sst we are doing civics so today we have started chapter 2 in civics topic of the chapter is the indian constitution so for the explanation of chapter 2 i have already provided two youtube links in your whatsapp group through which you can understand the topic well in today's video i will explain you worksheet that is related to chapter 2 only so before starting the work like always you all have to mention today's date in your copies that is 16th april 2021 now let's come back to the work of today's worksheet in today's worksheet i will explain you keywords related to chapter 2 only the first keyword is arbitrary when nothing is fixed and is instead left to one's judgment or choice फिक्स ना हो और बिना किसी तर्क के किसी व्यक्ति का जजमेंट और उसकी चॉइस बचे उसकी स्वेच्छा से जो जजमेंट लिया जाए वो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी सेकेंड इज आइडियल अ गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सेलेंट और परफेक्ट फॉर्म एक प्रकार का गोल कह सकते हैं प्रिंसिपल कह सकते हैं जो अपनी बहुत ही एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म में हो दैट इज आइडियल नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट इन सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट नाइनटीन सेंचुरी में इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत सम मैन एंड वुमेन केम टूगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल कुछ uh, महिलाएं और पुरुष एक साथ आए थे और उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट की थी दैट वॉज इंडियन नेशनल मूवमेंट नेक्स्ट इज पॉलिटी असाइटी दैट हैज और एंड ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा समाज जिसमें एक बहुत ही ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी और इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है नेक्स्ट इज सॉवरीन इट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल ये स्वतंत्र लोगों को रेफर करता है स्वतंत्र लोगों को संबोधित करता है Sixth one is human ट्रैफिकिंग द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एक प्रकार की प्रथा है जिसमें जो इल, जिसके अंतर्गत इलीगल प्रकार से लोगों को खरीदा और बेचा जाता है नेशनल बॉर्डर्स के आर पार नेक्स्ट इज अ टाय द क्रूल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी कोई भी व्यक्ति जब कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति जब अपनी पावर uh, को गलत तरीके से क्रूल तरीके से अनजस्ट तरीके से यूज करता है दैट इज कॉल्ड टाइरेनी। सो दीज बॉर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू चैप्टर टू ओनली आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ स्टिल एनी कन्फ्यूजन इज देयर सो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सअप ऑल्सो आई विल मीट यू इन द अनदर एक्सप्लेन वीडियो टिल दैट कीप लर्निंग स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय एवरी वन